बिजली की कोई समस्या नहीं, तेल की लालटेन यहीं पर कहीं। वाह, खुशियों से भरा है ये जहां, कोई भी समस्या नहीं यहां। सिर्फ थोड़ी पानी की प्यास है, एक अरसे से नल भी उदास है। लापतागंज 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 लापतागंज। अरे दूध तो यहाँ शुद्ध ही आता, ससुरा पानी मिला नहीं पाता। प्यार की भूख न प्यास सताती, अच्छा है राशन तो बचाती। रोज सुख दुख से होती है अपनी आँख में चौली, बिन बिजली मनाते हैं दिवाली और बिन पानी के हो। यहाँ तो सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। लापतागंज 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 लापतागंज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदादि मूर्ति में आपको नमस्कार करता हूँ। ए जी। ओ जी। कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है कहीं आते जाते रोका टोकी मत किया करो, काम खराब हो जाता है। फसल देखने जा रहे हैं खेतों में। और तुम जो हमें हजार बार रोका टोकी करते हो उसका का कर रही हो, का खा रही हो, का पी रही हो, का चुन रही हो, का बुन रही हो? हाँ, तुम्हारा काम बड़ा काम हो, हमारा छोटा? नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत बड़ा है। बताओ क्या काम है? अब जा रहे हो तो गेहूं ले जाओ, पप्पू की चक्की से आटा पिसा लाओ। अच्छा, मतलब आटा भी हम ही पिसवाएं? और का? अरे हम तो वैसे ही आटे की तरह पिस चुके हैं, हम ही गूंद के खाए जाओ। ए जी, चुपचाप गेहूं ले जाओ और पिसा लाओ, घर में बिल्कुल आटा नहीं है। बाद में कहोगे कि सब्जी और दाल के साथ कुछ नहीं खाने के लिए। अरे इसमें तो इल्ली है। इल्ली? अब जी इल्ली कौन सी बला है? अब जैसे रसोई में दूध के लिए बिल्ली बला है, वैसे अनाज के लिए इल्ली बला है। ऐसे बोलो ना कि घुन लग गई है। घुन तो घुनने होते हैं जो अनाज की छाती पे मूंग दलते हैं। इल्लियां तो पहले इल्लाती हैं, फिर खिलखिलाती हैं और फिर चिल्ला चिल्ला के पूरी फसल को साफ कर जाती है। है जी, ऐसे डरा रहे हो जैसे इल्ली इल्ली ना ही रामलीला की सुर्ख नका हो। अरे उसके तो कम से कम नाक थी जो कटने के बाद शांत हो गई। हाँ? इनके तो नाक ही नहीं होती। खैर, इसको धूप में सुखाए बिना तो आटा नहीं पिसवा सकते। तो ले जाइए ना धूप में और पसार दीजिए। अब ये काम भी हम ही करें। ओके। अरे मुकंदी भैया मुकंदी भैया। पापड़ गायब हैं। ए कछुआ, यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अरे पापड़ वापस करने आए थे। अच्छा, हमारे तीन पापड़ तुम चुराए हो हैं? चुराए हैं? कौआ का चोंच छीन के लाए हैं। ये देखो कौआ का चोंच का दाग सब, देखो देखो। हे भगवान, लापतागंज के कौओं को अगले जन्म में चोंच मत देना। हाँ करे कछुआ, पापड़ अंदर रखो तो फफूंदी खा जाती है, बाहर रखो तो कौवे। ए कछुआ, देखो तो मुकुंदी घर के बाहर कुछ पसार रहा है। जाओ तो हमारी पापड़ भी पसार दो। और तुम क्या करोगी? हम वो लाते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो क्या? हाँ वो जो होता है वो। हाँ कछुआ वो मिश्री, आज मंगल का व्रत है, आँख मत मारो। वो जो है अपना याद आए तो लेके आना, हमको मुकुंदी बाबू के साथ जाना है खेत पे, फसल देखने बहुत मेहनत। ओहो ए कछुआ, पापड़ तो लेते जाना, हम वो लेके आते हैं, क्या कहते हैं, अचार की दानी। कहा मुकुंदी बाबू, ये खेती बाड़ी छोड़ के ये जनाना काम में कब से घुस गए? अरे हमारी जिंदगी में दो जनाना है जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। कौन कौन? एक तो जे गेहूं में लगी इल्ली और दूसरी दूसरी कौन? ए मुकुंदी, क्या बात कर रहे हो हैं? हेलो पसारो।
आराम से। का कछुआ चाचा, लोग तो पापड़ बेलते हैं और आप सुखा रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या मजबूरी है? हाँ कहाँ कहे मुकुंदी, अचार और पापड़ में फफूंदी। अरे असली फफूंदी तो बनिए के जहन में लगी है मौसी, धनिया तेल मिर्च मसाला सभी में मिलावट करता है, इसीलिए तो अचार और पापड़ डालते ही फफूंदी लग जाती है। अरे तो समाज की इल्ली और फफूंदियाँ हैं, समाज से निपट लियो तो खेतों का मुआयना करें। ए कछुआ, ओहो चल दिए, जल्दी आना। धीरे धीरे, तुम पीछे आराम से बैठो ना। अरे बैठे भैया, आप इतना तो संभाल के बैठे, बैठे तो हैं। चुप। आवाज काहे की आ रही है? कुत्ता रो रहा है मौसी। हाय, ये कुत्ता तो रोज हमारे ही घर के सामने आके रोता है, क्या करे। हमारे मामा जी बहुत बीमार है, लग रहा है उनको मार के ही मानेगा ये। ए बिजी पांडे, ठेला मार के वो कुत्ते को हटाओ हमारे घर के सामने से। तो गुरु जरा सामने आ, जल्दी हो, जल्दी हो, टाइम नहीं है। ये है तुम्हारी मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा, हाउस में नहीं आउट ऑफ हाउस बैठी है। हम तो सही इन्फॉर्म। मौसी पकड़ो साइकिल, पकड़ो जरा। मौसी हम ये कह रहे हैं कि मौसी नमस्ते आंटी, सॉरी भाभी। मौसी कुत्ता है, वफादार है, प्यार की जरूरत है, पापा कसम प्यार कीजिए, रखवाली करेगा आपकी। अच्छा चलो हमारे पापड़ की रखवाली करो, हैं चलो लो कौवे उड़ाओ, हैं घर के काम निपटा के आते हैं इंदु। हाँ मौसी चल चल सुरीली चलो। अब सुरीली तुम कहाँ जा रही हो, तुम यही रहो, तुमको व्हाइट कौवा दिखाएं। सफेद कौवा तो रोज देखती हो, चल चल। अरे पटेसरा, अरे हतना अच्छा फसल हुआ है, पटेसर का शादी करके हमको भोज कराओ। अरे चाचा तुम ब्याह की बात कर रहे हो, इधर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? अरे इतनी सारी फसल हुई थी अच्छी सी, सारी फसल में इल्लियां लगी है। अरे सुबह सुबह भांग खाए हुए हो क्या? अरे चाचा आप खुद ही देख लो तब यकीन होगा कि नहीं। अरे इन्हें क्या है, इन्हें तो बोल दिए कभी कभी इल्लियां नहीं भी लगती हैं। क्या बात कर रहे हो? हो देखिए देखिए। अरे हाँ हो है? अरे अरे चलो चलो जरा देखे, अरे अपने खेत का क्या हाल है। अरे इल्ली से सारी फसल बेहाल है। हाय हटो, मुकुंदी बाबू ये तो यहाँ लग गया। हे भगवान, वो राठौर की फसल तो एकदम सही सलामत बरकरार है। अरे वो हमारी तरह किसान नहीं है, वो अमीर किसान है, उसका खेत अनाज नहीं सोना पैदा करता है, वो बीज उसका रूस से आता है इसीलिए एक्सपोर्ट होता है। अरे चाचा माना कि हमारा धान इसी बाजार में जाता है, कुछ घुनता है कुछ सड़ जाता है, लेकिन यही धान सारा देश खाता है। यही तो फासला है, इसीलिए हम देसी हैं और वो विदेशी है। चाचा, चाचा हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। चाचा अपनी आंखों के सामने हरी फसल बर्बाद होते तो हम भी नहीं देख पाएंगे। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि हम यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अरे हम भी किसान हैं और हम 25,000 लोन लेके अनाज उगाए हैं, तो क्या हम बच पाएंगे? सरकार ने वादा किया था कि फसलों का ध्यान रखेगी, अरे किसान तो देश की जान है, कैसे किसान की जान लेगी? हमें जरूर जाके कुछ बात करनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। मैं कहा था ना इलेक्शन से पहले किसी से कोई राड़ा नहीं लेना है। भैया ये हम लोग का आपस का राड़ा नहीं है, ये तो इल्ली का राड़ा है। अबे तो तुमसे कहा था उसूल बना लो, अपना उसूल बना लो, लड़की और पॉलिटिक्स साथ में मत मिलाओ। और लेकिन तुम उनके सारे लड़के देखते ही। सर सर आप तो कृषि अधिकारी हो, आप अपने जबान में समझाइए ना इन्हें,
इल्ली कोई लड़की का नाम नहीं, फसल में लगने वाला कीड़ा होता है। सर, जैसे बिल्ली होती है ना, वैसे इल्ली होती है। सर, नाम से औरत लग रही है, लेकिन औरत है नहीं। हमें तो पहले बोलना चाहिए था यार। याद है सर, सन 80 में जब हमारे देश में चूहे ज्यादा हो गए थे तो आपने बिल्लियां इंपोर्ट करवाई थी। याद है। और बिल्लियां ज्यादा हो गई थी तो उनको मारने के लिए हमने कुत्ते इंपोर्ट करवाए थे, और तभी से हमारे देश में कुत्तों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसान की ताकत देश की ताकत होती है, पर आज किसान के गमछे की ताकत उसकी आत्महत्या के फंदे की ताकत होती जा रही है, और अभी थोड़ी देर बाद ये फंदा किसान के गले का हार होगा। किसान आत्महत्या के इस भाग के प्रायोजक हैं। किसान गमछे और ढिल्ली लूंगी ज्यादा चले, पोछने में भी और फंदे में भी। मैं मरने से पहले देश के नाम संदेश देना चाहता हूँ। आप अपनी आत्महत्या पे ध्यान दो, वो हमारा काम। भैया पहले मैं बड़ा हूँ छोटू, पहले मैं मरूंगा। नहीं, पहले मैं मरूंगा। दर्शकों, किसान आत्महत्या के मुद्दे पे भी एकजुटता और बलिदान को देखते हुए मेरी आंखों में तो पानी छलक जाता है। दोनों भाइयों के बीच में पहले मैं डिसाइड होने तक स्टूडियो चलते हैं। दो किसान भाइयों अटेश और पटेसर के साथ मैं अंशुमान घटोत्कच आपके लिए लेकर आए हैं इल्ली की दौड़ दिल्ली तक। अबे ये इल्ली इतनी बड़ी समस्या है तो खत्म कर दो इसको, मैं परमिशन देता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ सर, मत दीजिए परमिशन, वरना सारी समस्या ही हो जाएगी दफन। सर, ये इल्लियाँ ही नहीं रहेंगी तो बिल्लियाँ कहाँ से होंगी, और बिल्लियाँ नहीं होंगी तो घंटी किसके गले में बांधेंगे, और घंटी नहीं बांधेंगे तो दिल्ली कैसे पहुँचेंगे। सर, समस्या है तो नेता है, वरना कौन फोकट में वोट देता है। चार दूनी 8, चार तीये 16 है, चार ती 16 चार ती। ए जी, ये साड़ी पहन के चलेंगे तो कैसे लगेंगे, अम्मा ने दी थी। अरे तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब लाइट मारता है। जा कर रही हो? अरे इल्ली दिखाने ले चलो ना, हमने कभी देखी नहीं है। दिल्ली देखी है? हाँ, लेकिन वो इल्ली कहाँ थी? सबसे ज्यादा इल्लियाँ तो वहीं पाई जाती है, सफेद खादी कपड़ों में। चौथी है 12। काजटा, आज सोने नहीं गए। ओए, क्या है? कछुआ को देखा क्या? कछुआ को हमने नहीं देखा। सलीम, वो रहा कछुआ, उससे अपने 25,000 रुपए लेने हैं, भागने ना पाए, पकड़ो उसे। ओए कछुआ, ओए कछुआ, तो भागने ना पाए। अरे रिम, पकड़ो उसे। ए कछुआ, कबड्डी, ए कबड्डी, ए कछुआ, ए कबड्डी, कबड्डी, ए कछुआ। बीजी पांडे, पकड़ो उसे, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। बीजी 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 पांडे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कछुआ चाचा? अरे हम तो जान बचा कर भाग गए। चोर कहाँ है? कछुआ, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे हमको तो सूदखोर दौड़ा रहा था तो हम भाग के इधर आ गए, हमको क्या मालूम की कटी आई दूर दूर। तुम्हें हमारा ही घर मिला के छुपने के लिए? चलो हटो, हटो, उठो। मौसी, हम तो कछुआ चाचो छुपाने के लिए आए थे यहाँ पे। क्या बात कर रहा है? अच्छा, ऐसे कमरे में घुसते हैं किसी के? भाग यहाँ से, चल, ठीक जा रहे हैं। माया, माया, तू भी भाग, चल बिस्तर पे चलता है, चल, चल, क्या कर रहे हो? हमारा ही घर मिला तुम्हें छुपने के लिए? आजा, कहाँ जा रहे हैं? कुछ बोलो ना उसे। अरे भैया बुलाओ ना।
ए कछुआ नीचे आ जाओ, कछुआ आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ भाई, मिट जाएंगे मर जाएंगे नीचे नहीं आएंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? किसान होना, जो देश किसान का है वहाँ किसान होना ही सबसे बड़ी गलती है। अरे ये हमारा 25,000 रुपया लेकर ऊपर चढ़ा नौटंकी कर रहा है। अच्छा गुरु ये चक्कर है, एक सेकंड रुको। अरे कछुआ चाचा, अरे कूदना है तो कूदिए ना, औरतों की तरह काहे बिहेव कर रहे हैं, कूदिए। अरे बिजीरा। हाँ कूद जाए कूद जाए। सर नीचे। अरे मांगना है तो ईश्वर से मांगो ना, किसान से काहे मांग रहे हो। हाँ? किसान आत्महत्या के मुद्दे पे अभी भी एक सवालिया निशान मुंबई खड़ा है, और ये सवालिया निशान वो तीसरा किसान कछुआ है जो डिलाइट सिनेमा हॉल की छत पे इल्लियों से परेशान होकर के आत्महत्या के लिए खड़ा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। बोलो किसान कछुआ, बोलो आत्महत्या से पहले तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हम किसान हैं, ऊपर से परेशान हैं, हम बता रहे हैं हम कूद जाएंगे। अरे नहीं नहीं कछुआ चाचा कूदना मत, अरे हाथ पैर लुंज पुंज हो जाएंगे, मत कूदना। अरे कूदने दीजिए कुछ नहीं होगा, सुपरमैन है। कूदिए कछुआ, अकाल मौत मरोगे तो भूत बन जाओगे। किसान होने से तो अच्छा है भूत हो जाए। है? अपनी जिम्मेदारी पर भूत बनना और भूत बनने के बाद हमारे पीछे नहीं आना। सरकार नेताजी आ गए। अरे तुम किसान हो तो हम देश की शान है और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तो हमको ऐसे जिंदा रख रख के मारोगे? जवाब है कि किसान ही आत्महत्या क्यों करता है, पूंजीपति क्यों नहीं करता है? हमारे खेतों में ही इल्लियां क्यों लगती हैं, मिलों में क्यों नहीं लगती? जवाब है हाइट का मामला है भाई। हाँ? और मील जो होती है वो ऊंची होती है और फसल जो होती है वो नीची होती है, तो चढ़ने में आसानी होती है। बाय गॉड देयर इज नो एनी पॉलिटिक्स, नीचे आ जाओ हम इल्लियां हटवा देंगे। अरे सरकार बहुत सारा इनाम भी देगी, साइकिल मेडल और न जाने क्या क्या। नीचे आ जाओ प्लीज। ए कछुआ आ जाओ ना नीचे आ जाओ, बस हो गया नाटक। सरकार इल्ली दूर कर रही है, किसानों की सुन रही है, नीचे आ जाओ। नीचे आओ कछुआ, हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। आए क्या कह रही हो मिश्री, अरे ये 20 साल पहले बोली होती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या मिश्री? तो आज मौसी आत्महत्या अटेम्प्ट कर रही होते। अबे तुमसे कह रहे हैं कछुआ चाचा। आराम से नेताजी। नेताजी वन मोर क्वेश्चन प्लीज, ये किसान को जमीन पे उतार के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई बड़ी मशक्कत के बाद में किसान ऊपर से नीचे उतर आया, और थोड़ी सी मशक्कत के बाद में इल्लियां भी नीचे आ जाएंगी। जय हिंद। अर्दली जी, तुम्हें क्या लगता है इस खेत में इल्लियां हैं? लगता तो नहीं है बड़े बाबू। सुना है सारा खेत साफ कर देती हैं। ठीक सुना बिल्कुल साफ कर देती हैं। तब तो इस पर दवा का छिड़काव करवा देना चाहिए। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल छिड़काव करवा देना चाहिए, क्योंकि अच्छी फसल को इल्लियों वाली फसल से दूर रखना चाहिए, मतलब कीड़ों लगी फसल एक तरफ और सही फसल एक तरफ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। चलो चलो भाई चलो 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 काम पे लग जाओ चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो सही फसल है, इल्लियों वाली फसल तो वहां है। सरकारी कर्मचारी जब काम करते हैं तो उनको टोका नहीं करते, समझ गए? ये कर क्या रहे हैं? सही फसल को इल्लियों से दूर कर रहे हैं। देखिए अब अच्छी फसल तो हो गई, अलग उसको कोई नुकसान नहीं होगा,
और जो इल्लियों वाली फसल बच गई है इसमें दवा छिड़कवा दी जाएगी, सब ठीक हो गया, चिंता की कोई बात ही नहीं। नमस्कार, चलते हैं। का देख रहे हैं मुकुंदी बाबू? जीप पे सवार इल्लियां। फसल में लगी इल्लियों को तो दवा से दूर किया जा सकता है, इन इल्लियों को कौन सी दवा से दूर किया जाए?